देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए एक बार फिर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिकंदरपुर बलिया क्षेत्र के स्थानीय किला के पोखरा शांति मैरिज हॉल में ब्याहो जायसवाल कलवार महासभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सीताराम जायसवाल, महापौर गोरखपुर नगर निगम, विशिष्ट अतिथि गोरख प्रसाद जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें कुलदेवता भगवान बलभद्र जी की शोभा यात्रा निकाली गई। जायसवाल समाज के सैकड़ों युवाओं ने दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों से नगर भ्रमण करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ब्लड शुगर ग्रुप, नेत्र जांच और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा, मैं तो बहुत सारे जायसवाल समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन ये सिकंदरपुर का कार्यक्रम हमारी यादों में जिस तरीके से हमने एंट्री किया और जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की थी, मैनेजमेंट का हजार तरफ काम किया गया, महिलाओं और अंतर कार्यक्रम बनाओ समाधान दिवस पे कोई आपको जो ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा परेशानी ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं नहीं, कोई बात महसूस नहीं, सब समस्या समाधान आराम से हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा साहब कम्प्रोमाइज कर रहे हैं सबके साथ? हाँ, जो मैं जो कुछ दिख ही रहे हो हम लोग भी दिख रहे हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझ रहा? कोई प्रॉब्लम अभी तब तो कोई संभव है नहीं है, जो हम संभाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग संभाल रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बाराबंकी में सिरौली गौसपुर तहसील के ग्राम महमूदाबाद के चौराहे पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सफदरगंज पुलिस के द्वारा दोपहिया गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें कुछ गाड़ियों का चालान किया गया, कुछ लोगों से जुर्माना लगाया गया और तो और कुछ लोगों को मंत्री, विधायक व प्रधानों के फोन करने पर गाड़ियों को छोड़ दिया गया, जबकि ना तो उनके पास गाड़ी का कागज था, ना ही डीएल और ना ही इंश्योरेंस था। अभी हाल तो फिलहाल एक गाड़ी का चालान हुआ है जिसके पास जो है कि इंश्योरेंस भी नहीं था, डीएल भी नहीं था, हेलमेट भी नहीं था। जी जी जी। एक गाड़ी का चालान किया, बाकी गाड़ियों का लगभग लगभग पूरा पेपर था, हेलमेट लगाए थे, सबको छोड़ दिया गया है। एक गाड़ी मिली है जिसका चालान किया गया है। उन्नाव में मियागंज के मदारपुर कैलई में कोटेदार के द्वारा राशन में लूट किया जा रहा है। लोगों को 6-6 महीने से नहीं मिल रहा है राशन। मीडिया कर्मियों ने वहाँ के लोगों से इस बारे में बात की। आइए सुनिए। शशि प्रभा जी हाँ, मेरे नाम कोटा है। कोटा आपके नाम? जी हाँ। आपके आदमी क्या नाम है? सुबेदार। सुबेदार जी हाँ। ग्राम सभा कौन सी? मालवी खेड़ा। मालवी खेड़ा जी हाँ। ग्राम सभा? जी, ग्राम सभा शाहपुर सिंधौरा, मालवी खेड़ा शाहपुर सिंधौरा जी। अच्छा, और ब्लॉक? मियागंज। तहसील? हसनगंज। जिला? उन्नाव। भैया आप लोग पीछे आ जाने का चेहरा कट रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आपके यहाँ? पब्लिक आपके यहाँ बोली है कि राशन हमें मतलब 32 किलो दे रहे हैं, अंत्योदय कार्ड में 100 रुपए ले रहे हैं। जी नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। 32 किलो नहीं, जो दिया जा रहा है वो सच बता रहे हैं, 34 किलो अंत्योदय पर दिया जा रहा है। और कोई भी अंत्योदय कार्ड वाले को आप बुलवा के सामने मेरे पूछवा दीजिए कि 32 किलो दिया जा रहा है। आपकी जनता बोल रही है कि हमें 32 किलो राशन 100 रुपए का दिया जा रहा है, मिट्टी का तेल 2 लीटर 58 रुपए का दिया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? और सुनिए, मिट्टी का तेल 6 महीना से नहीं बटा है, क्या दिक्कत है? नहीं तो ये सब खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कितने महीने में मिलता है। अगर जो ये लड़कियां हैं पढ़े हैं, ये बता सकती हैं कितनी तारीख को तेल बटा था।
आप अंत्योदय में राशन 100 रुपए क्यों दे रहे हैं? 100 रुपए दे रहे हैं। क्यों? जो मंत्री लेखपाल था 500 रुपए लेता था, आज को 1000 रुपए ले रहा है। और ये जो प्रेक्षक आते हैं उनको 200-300 चाहिए, मीडिया वाले आते हैं उनको 200-300 चाहिए। मीडिया वाले? जी हाँ। खबरें अभी और भी हैं, तब तक के लिए इंतजार करिए और बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।